और उधर अमेरिका के एरिजोना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मकान के टॉयलेट में एक जहरीला सांप निकल आया, जिससे उस घर की महिला बहुत डर गई, क्योंकि सांप का जो वीडियो सामने आया उसमें वो टॉयलेट सीट में छुपकर बैठा दिखा। उस घर में रहने वाली महिला ने बताया कि जैसे ही उसने टॉयलेट सीट से ढक्कन हटाया वो इस सांप को देखकर घबरा गई। उसने मोबाइल कैमरे से इस खतरनाक सांप का वीडियो रिकॉर्ड किया और सांप पकड़ने वाली टीम को सूचना दी। सांप पकड़ने वाली टीम ने वहां पहुंचकर उसे बाहर निकाला। इस दौरान वो सांप बुरी तरह फुफकारता दिखा। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया। वहां बीजेपी के एक जिला पंचायत सदस्य ने कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष पर विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया और विरोध करते हुए जिला पंचायत की बैठक के दौरान ही खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें खूबलाल ध्रुव नाम के वो जिला पंचायत सदस्य टेबल पर बैठकर खुद पर मिट्टी का तेल उड़ेलते नजर आए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। उस जिला पंचायत सदस्य ने अपनी पैंट की जेब से माचिस निकालने और खुद को आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद दूसरे सदस्यों ने उन्हें पकड़ लिया। इस घटना की वजह से धमतरी जिला पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। असल में खूबलाल ध्रुव बीजेपी के सदस्य हैं और उन्होंने कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष पर विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया और विरोध में जिला पंचायत की बैठक के दौरान ही आत्मदाह करने की कोशिश की। इधर कर्नाटक के मंडिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी फोटो के साथ QR कोड वाले पोस्टर लगाए और लोगों से उस QR कोड के जरिए कृषि मंत्री को पैसा देकर बदले में अवैध काम करवाने की अपील की। और कृषि मंत्री के फोटो लगे हुए QR कोड वाले पोस्टरों को जैसे ही पुलिस ने देखा वो एक्शन में आ गई और पोस्टर लगाने वालों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई जगह से उन पोस्टरों को हटा दिया, जिसे देखकर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी जगहों पर पोस्टर लगाने लगे और उन्होंने सड़क, दीवार और पहले से लगे बैनरों पर पोस्टर लगा दिए और जमकर नारेबाजी भी की। कर्नाटक के कृषि विभाग के सात सहायक निदेशकों ने कृषि मंत्री एन चलुवराय स्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद बीजेपी ने कृषि मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। और म्यांमार के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ देना पड़ा है। वहां के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। वहां से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर कमर तक भरे पानी के बीच से सड़कों से गुजरते नजर आए। हालांकि स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गया, लेकिन इसके बावजूद वहां बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इधर राजस्थान में विधायकों के लिए 5-स्टार होटल की तरह सुविधाएं वाले फ्लैट बनकर तैयार हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन लग्जरी फ्लैट का उद्घाटन करेंगे। विधायकों के लिए बनाए गए ये फ्लैट विधानसभा के ठीक बगल में, ताकि विधायक आसानी से सदन पहुंच सकें। जयपुर के लाल कोठी इलाके में 8-मंजिला भव्य इमारत का निर्माण किया गया है और इसी इमारत में विधायकों के लिए 5-स्टार होटल की तरह सुविधाओं वाले 160 फ्लैट बनाए गए हैं। विधायकों को मिलने वाले ये सभी फ्लैट 4 BHK हैं, यानी 4 बेडरूम वाले हैं। हर फ्लैट में 4 कमरे, बड़ा हॉल, खुली हवा वाला किचन और दूसरी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मतलब फ्लैट में हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। कि जो प्राइवेट स्पेस के अंदर जगह दी गई है उसमें भी आप देखिए कि ये दूसरा मास्टर बेडरूम और दूसरे के अंदर भी बालकनी। विधानसभा के पास जहां ये भव्य इमारत बनाई गई है, वहां पहले विधायकों के पुराने 54 आवास थे, जिन्हें तोड़वाकर राज्य सरकार ने विधायकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इन फ्लैट का निर्माण करवाया।